हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या कैरियर एकेडमी। आज हम लोग CHSL 15 मार्च का सारे पेपर डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम लोग कोई भी अगर नया वीडियो डालते हैं तो आपको अपडेट मिलता रहे। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी इफ़ हाइट बराबर इतना और मास बराबर इतना। कल इस पर इसका हम फॉर्मूला आपको बता चुके थे पोटेंशियल एनर्जी का, और आज क्वेश्चन भी आ गया उस पर। तो देखिए, इस पे पोटेंशियल एनर्जी का कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन है। 5 है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट होता है 9.8, ठीक है, और मास होता है 250। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको फार्मूला याद रखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी भी शिफ्ट में वैल्यू चेंज कर इसी क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जजिया टैक्स कौन इम्पोस्ट किया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक किए थे, और कौन इसको जजिया टैक्स को हटाया था? वो थे अकबर, ठीक है। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कौन सा डायनेस्टी फॉर्म्ड किए हैं? मुमलुक डायनेस्टी। ये पहले सुल्तान थे इंडिया के, ये देख लीजिएगा, दिल्ली के पहले सुल्तान थे। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा और कुवैत उल इस्लाम मस्क्यू जो था वो दिल्ली में इन्होंने बनवाया है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इनका रिलीजन इस्लाम है, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप यहाँ पर उसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूवमेंट ऑफ मिनरल और वाटर इन द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ये SSC का पुराना क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी इफ़ यू डबल द रेडियस ऑफ द अर्थ। यह रेडियस को डबल करेंगे तो जी का वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगा। हो सके आपके शिफ्ट में रेडियस को 4 गुना कर दे, 8 गुना कर दे, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ श्रीलंका। देखिए, श्रीलंका का क्वेश्चन कल आया था कि उसका कौन सा कैपिटल है, तो जयवर्धने कट्टू और कोलंबो दो कैपिटल था, एक ऑफिशियल और एक अर्बन। और आज क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइएस्ट पीक कौन है, तो हाइएस्ट पीक है पिदरुटलगला माउंटेन, ठीक है। और ये देखिए, इसमें हाईएस्ट पीक तो पूछ दिया, हो सकता है अगले अगले बार पूछा जाए कि उसका हाइट कितना है। एक क्वेश्चन और देख लिए जो इम्पोर्टेंट है। आज का क्वेश्चन का आंसर तो हो गया, हो सकता है कि अगले शिफ्ट में ये पूछा जाए कि जो श्रीलंका का सबसे बड़ा रिवर कौन है, तो महावली रिवर जो है वही सबसे बड़ा है, इसको सैंडी रिवर भी बोलते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार्जेस्ट सिटी ऑफ म्यांमार कौन है? यंगून है। देखिए, म्यांमार से 3-4 क्वेश्चन आ गया रेगुलर, पिछले बार भी भूटान से आया, म्यांमार से आया, तो आप देख रहे हैं कि जो नियरेस्ट नेबरिंग कंट्री है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो आप सारे नेबरिंग कंट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको करते जाइए, क्योंकि हो सकता है आपके सेट में कुछ आ जाए, ठीक है। देखिए, म्यांमार इज द सदर्न एशियन नेशन ऑफ द मोर देन 100 इथिक ग्रुप्स। बाउंड्री किससे किससे लगता है? इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, लॉस और थाईलैंड। इसका कैपिटल देखिए, इसका कैपिटल भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। करेंसी याद कर लीजिए, प्रेसिडेंट कौन है, ये सारे एक बार आप लोग देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कुछ भी पूछा जाए। कल इससे क्वेश्चन आया था कि एशियन कंट्री कौन सा इसमें से नहीं है, तो अगले में हो सकता है ये कब इस्टेब्लिश हुआ है, चाहे म्यांमार नेबरिंग कंट्री का 4 नाम दे देगा इसमें से कौन उसका मेम्बर है या नहीं है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज़ यूज हेलीकॉप्टर फॉर इट्स कोस्ट सिक्योरिटी। आज का क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था, ये करेंट से निर्धारित क्वेश्चन था, तो उसका आंसर था USA। हु डिसाइड MSP कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन टू बी लॉन्च्ड इन 2019। ये करेंट का क्वेश्चन है, इसका नाम है आदित्य L1। वन क्वेश्चन रिलेटेड टू द वैलेंसी। अब देखिए, इसका पता नहीं चला एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, मगर वैलेंसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेट CM हैज़ रिसीव्ड गोल्डन पीकॉक अवार्ड। तो देखिए, ये चंद्रबाबू नायडू हैं आंध्र प्रदेश के, उन्होंने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन उमंग ऐप G स्टैंड फॉर। देखिए, एक एब्रिविएशन जरूर आ रहा है जिसमें फुल फॉर्म आ रहा है, जिसमें एक कोई भी एक अल्फ़ाबेट का वो फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो देखिए, उमंग का हो गया यूनिफाइड मोबाइल अप्लीकेशन फॉर न्यू एजेस गवर्नेंस, ठीक है, तो ये G स्टैंड फॉर गवर्नेंस। देखिए, एक क्वेश्चन और आया है। CB इम्पोस्ट फाइन ऑफ हाउ मच ऑन कंपनीज हु कैनॉट क्लियर इट्स IPO, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20,000, ठीक है।
ये 2015 का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप लोग 2015 ये शायद जुलाई में आया हुआ है, तो आप लोग जुलाई से जुलाई का भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन आ रहा है, तो वहाँ से आप 2015 का भी थोड़ा करेंट अफेयर को देख सकते हैं। वन क्वेश्चन रिलेटेड टू आइडिया, आई डी ए, ठीक है, वन क्वेश्चन रिलेटेड आई डी ए, इसका फुल फॉर्म, अब इसमें इस क्वेश्चन क्या पूछा गया ये तो नहीं पता है, मगर इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तो हो सकता है कि इसका फुल फॉर्म पूछा गया हो, या फिर हो सकता है उसका हेड क्वार्टर पूछा गया है, ये कब फॉर्म हुआ है, कितने कंट्री हैं, लीडर कौन है, ठीक, इसका जितना भी ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी आ सकता है, अगर एक शिफ्ट में इससे एक क्वेश्चन आ गया तो नेक्स्ट शिफ्ट में कोई दूसरा इससे पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में सब कुछ देख लीजिए। विच पार्ट ऑफ द सेल अलाउ द एंट्री ऑफ लिविंग ऑफ केमिकल, तो इसका आंसर हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन, ये एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए एक न्यूमरिकल और दिया है, फोर्स बराबर 200 न्यूटन दे दिया है और डिस्प्लेसमेंट दिया है 4, डिस्टेंस दिया है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस दिया है 4 मीटर, या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस 4 मीटर दिया है, तो फाइंड द वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो वर्क डन कितना हो गया 800, ठीक है, वर्क डन कितना हो गया 800। देखिए एसआई यूनिट पूछा जा सकता है वर्क डन का, तो जूल, तो यहाँ जूल हो गया 800 जूल हो गया, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए कि वर्क डन का यूनिट क्या होगा, तो जूल, ठीक है, एक जूल बराबर क्या होता है ये भी आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच पार्ट इज डिलीटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखिए पार्ट 7 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट कर दिया गया है, एक चीज़, अब अगर पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है, पीछे भी पार्ट से क्वेश्चन आ चुका है, तो आज एक चीज़ और देख लीजिए कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 395 आर्टिकल और 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे, मगर जो अभी हैं फिलहाल में वो जितने भी करेंट में 25 पार्ट्स हैं, 448 आर्टिकल है और 12 शेड्यूल्स है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। और सबसे लास्ट वाला अमेंडमेंट जो हुआ है वो 2016 में हुआ था, 101 अमेंडमेंट, ठीक है, इसके बाद हो सकता है और भी अमेंडमेंट हुआ हो जो अभी फिलहाल तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर उसको आप देख लीजिए, क्योंकि पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है तो बाकी सारे पार्ट को आपको पता होना चाहिए। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन इन श्रीलंका, देखिए इसका ऑप्शन तो नहीं पता था, मगर जो 4 ऑप्शन दिया था उसमें से चीना कल्टीवेशन हो सकता है, अगर चीना कल्टीवेशन ऑप्शन में होगा तो उसका आंसर यही होगा, क्योंकि चीना कल्टीवेशन श्रीलंका का सबसे ओल्डेस्ट कल्टीवेशन है। वन क्वेश्चन रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट फाइलम किंगडम ऑर्डर, तो एक प्लांट फाइलम किंगडम ऑर्डर से क्वेश्चन आया हुआ है, हु विल लीड द कमिटी ऑन द नेशनल एंथम कंपल्सन इन सिनेमाघर, देखिए ये कुछ दिन पहले करेंट अफेयर में चला था कि सिनेमा घर में जब नेशनल एंथम चले तो हर आदमी को खड़ा होना ज़रूरी है, तो उस कमेटी का जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे, बीआर शर्मा, तो ये करेंट अफेयर हो गया 2018 का, जनवरी का करेंट अफेयर है, ठीक है। कौतल्या रिलेटेड टू विच डायनेस्टी, कौतल्या मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड है, और कौतल्या के बारे में और भी जान जाइए, आज का क्वेश्चन तो ये था, उनके और भी कौतल्या का विष्णुगुप्त भी बोला जाता है इनका, ये चंद्रगुप्त मौर्य के ऑक्यूपेशन एडवाइजर थे, और इनका नोटेबल अर्थशास्त्र ये पूछा जा सकता है, या चाणक्य नीति, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, इनका नोटेबल वर्क है, तो ये नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूएस ओपन एंड फ्रेंच ओपन टेनिस जो है मैन विनर कौन है, तो ये दोनों के विनर है राफेल नडाल, तो आप देखिए ये आप जो मैन का तो दे दिया, तो वुमेन का आप लोग इसको देख लीजिएगा कि यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन का वुमेन का विनर कौन है, नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये पूछा जा सकता है। देखिए मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रियल नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक जॉन खान, इनका मोहम्मद बिन तुगलक का रियल नेम क्या था, जॉन खान। आप ये देख रहे हैं कि मेडिवल से अभी तक जितना भी क्वेश्चन आया है सारा का सारा मेडिवल से आ रहा है, तो एक बार आप मेडिवल पार्ट को रिवाइज कर जाइए। नेशनल वोटर्स डे कब होता है, तो 25 जनवरी को होता है, ये एसएससी का पुराना क्वेश्चन है। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट कॉज इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में सबको पता है कि हिटलर का सबसे लार्जेस्ट कॉज था, जर्मनी कंट्री का नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, वन क्वेश्चन रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑर्डर फाइलम, देखिए पहले भी ये क्वेश्चन हम लिख चुके हैं एक बार, तो क्लासिफिकेशन का ये ऑर्डर है, ऑप्शन दिया हुआ होगा उसमें से सही ऑप्शन 4 दे दिया होगा, ऑप्शन
सीक्वेंस में उसमें से सही वाला आपको निकालना होगा। तो एक बार आप पूरा ऑर्डर देख जाओ, हो सकता है आपके सेट में कोई चार ऑर्डर इसमें से दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2017। देखिए इंडिया का उसमें 108 पोजीशन था 144 में से, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2017 में सबसे टॉप पर कौन है, तो आइसलैंड है। ये नहीं पूछा गया है, तो ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, नेम ऑफ द करेंसी ऑफ यूएसए, डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये एसएससी में पहले भी आ चुका है, पैगमोलियन पॉइंट या पर्सन्स पॉइंट बोलते हैं, ये देख लिए इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट स्टेट टू बिकम ओपन डिफेक्शन पॉइंट, फर्स्ट स्टेट टू बिकम ओपन, यहाँ पर फ्री होगा, फ्री ओपन डिफेक्शन पॉइंट, तो गुजरात और आंध्र प्रदेश ये सबसे पहला स्टेट है। विच कंपाउंड इज नोन एज ग्लोबल सॉल्ट, देखिए ये क्वेश्चन आ रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड या सोडियम सॉल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट। ग्लोबल सॉल्ट किसको बोलते हैं, सोडियम सल्फेट को। आर्टिकल 360 से क्वेश्चन आया है, इसको फाइनेंशियल इमरजेंसी भी बोलते हैं। और देखिए दो आर्टिकल और है, 352 और 356, नेशनल और इंटरनेशनल इमरजेंसी का, ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब अर्थी मदद योजना, देखिए ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये चीफ मिनिस्टर मायावती 1 नवंबर 2000 को लागू की थी, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश से एक क्वेश्चन आया है आज। जेंडर गैप ऑफ इंडिया, जेंडर गैप मेल का इतना है और फीमेल का इतना है, ऑप्शन के अनुसार आप अपना उसमें से टिक मार सकते हैं। पैरेबल देखिए एक्सरसाइज से, मिलिट्री एक्सरसाइज से ये चौथा क्वेश्चन है इस साल का, अभी तक 3 एक्सरसाइज पूछा जा चुका है। तो पैरेबल दोस्तक किसके बिटवीन, ये किस दो कंट्री के बीच में एक्सरसाइज हुआ था, तो इंडिया और काजकिस्तान। तो आप क्या कीजिए कि जितने भी एक्सरसाइज इंडिया में 17 और 18 में हुए सबका नाम याद कर लीजिए, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आ रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट कब आया था, 1988 में। पंचायत आर्टिकल, पिछले वीडियो में आप देखे थे कि पंचायत से भी एक क्वेश्चन आया था, वहाँ पर हम पूरा एक्सप्लेन किए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर कृपया पीछे वाला वीडियो देखें, जिसमें पंचायत आर्टिकल के बारे में जितना क्वेश्चन बन सकता है वो सारा कुछ बताया हुआ है। तो इसका आर्टिकल होता है 243 ओ, और एक आर्टिकल 40 भी होता है इसका, इसका अमेंडमेंट अमेंडमेंट जितना भी है, पार्ट किस पार्ट में है, सारा हम पीछे वीडियो में देख बता चुके थे। व्हाट विल, ये कल ही आया था क्वेश्चन और आज फिर रिपीट हुआ है, व्हाट विल हैपन व्हेन द बर्थ रेट विल इंक्रीज। तो ये ऑप्शन के अनुसार आपको देखना पड़ेगा कि बर्थ रेट उसमें कौन सा ऑप्शन इसके लिए सटीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस कंट्री से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है और ये पार्ट 4 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में, ठीक है। और एक चीज़ का आप और ध्यान रखिए कि फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, ये सब कहाँ से लिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, हो सकता है कि नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।